दर्शकों, रोशनी कुमारी ने किया ऐसा काम कि हर जगह मिल रहा है इसको मान सम्मान और हर जगह हो रहा है इसका नाम। हम तो बेटे के बारे में कहा करते हैं कि बेटा वही अच्छा होता है जो अपने बाप से भी आगे निकल जाए, लेकिन आज बाप नहीं रहते हुए भी रोशनी ने आज समाज में एक अलग पहचान बनाई। आज वृद्धाश्रम की तरफ से डॉक्टर एम एस करवाज एवं पूरी टीम ने आज उसको साफा पहनाकर शील्ड देकर एक तरह से सम्मानित किया। रोशनी ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी है और हम भारत के लिए छाजा के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम करेंगे। देखिएगा हमारी काफी को आज चरघरा वृद्धा आश्रम में यहाँ की बेटी, चरघरा की बेटी रोशनी कुमारी ने जो कांस्य पदक प्राप्त किया वो देश के लिए गौरव की बात है, जम्मू के लिए, झाझा के लिए। यूं तो झाझा एक बिहार में पूरे देश में एक यूनिक जगह हो गया है कि जहाँ से चार चार लोगों ने इतिहास रचा। इस मौके पर मीडिया वाले को और सोशल आपके जो सोशल वर्ल्ड जो लोग लो आए हुए हैं सबका मैं धन्यवाद पेश करता हूँ। बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है, मेरी साली की बेटी है, वो साला जो हमारा पुत्रवत पुत्र के समान था उसकी बेटी को सम्मानित किया जा रहा है। ये आज मेरी ही बेटी है, आज इसके सम्मान को देखकर मैं गदगद हो गया। यहाँ के जनमान्य सामाजिक लोग, समाज के पुरोधा लोग, समाज के बड़े लोग जो सम्मान दिया, मैं बहुत आंखें नम हो गई खुशी से। नहीं कहना नहीं है, मैं तो गदगद हो गया, मेरी आंखें तो नम हुई तब से हमेशा। मैं इतना खुश हुआ, मैं हमेशा आह्लादित हो जाता हूँ आप लोगों का स्नेह देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर, मेरे बच्ची की तरफ स्नेह देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और मैं इनके लिए पूरे लाइफ के बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। हम लोगों के बीच आए झाझा के धरती पर इनका डॉक्टर प्रभात साहेब को पूरे जिला के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ।
ये प्रोग्राम कोई छोटी मोटी प्रोग्राम नहीं है। इतना छोटा बच्चा का अगर उत्साह बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है, तब जाकर वो वहां तक पहुंची। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, अभी इसकी उड़ान शुरू हुई है, कहूंगा उन तमाम लोगों की तरफ से कि वो और अच्छा करें। अभी कांस्य पदक जीता है ऑल ओवर इंडिया में। मैं नहीं समझता हूँ कि कितने सारे लोग उस विधा को जानते होंगे, शायद तारकंड ऐसा कुछ है। ये आकर हमेशा इस वृद्धा आश्रम की निरीक्षण क्या करते हैं, तो ये मैं उनको आज इस सभा की शुरुआत एक भजन से हो, जो हमारे ही परम मित्रों इनके साथ झांसी की रानी बनी है रोशन। अरे यार लड्डू दे रहे हैं ना सर, मिठाई है और सम्मानित व्यक्ति मुन्ना भैया, एक बिटिया दूसरी बेटी को सम्मानित करने